मैं और नवीन जी आप पहुँचे हैं सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग में। देखिए ये अभी प्रातःकाल हुआ ही है और सूर्योदय होता हुआ। पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और उनके मध्य से होता हुआ ये मार्ग, अद्भुत मनोरम दृश्य, प्रकृति की अनुपम छटा बिखरी हुई है यहाँ पर। मेरे साथ नवीन जी। ये प्रवेश द्वार, ये सफारी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जाते हुए आगे जाकर लेफ्ट में रणथंभौर उद्यान का द्वार है और सीधे चलते जाएंगे तो राइट में रणथंभौर दुर्ग। ये नदी है यहाँ पर, कितना सुंदर दृश्य है। देखिए नदी के मुख से जल पतित होता हुआ, देखिए किस तरह से ये बनाया गया है पत्थर से, एक सिंगल पत्थर को कारो करके और उसमें रास्ता बनाया गया है पानी के गिरने का। ये कुंड है और इस कुंड में मगरमच्छ हो सकते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है चेतावनी, नहाना वर्जित है, मगरमच्छ खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये दुर्ग का जो द्वार है इसकी ये सोपान, छत देखिए इसकी, पूरे स्लैब डाले गए हैं पत्थर के। यहाँ व्याघ्र रहते हैं राष्ट्रीय उद्यान में, कभी भी एनकाउंटर हो सकता है। ये देखिए इसके जो द्वार है उसके ऊपर का ये छत है इसकी। वहाँ पर वो मेरे मित्र नवीन जी मुझे बुला रहे हैं। देखिए किले के जो दुर्ग के द्वार होते हैं और जो इसकी पूरी प्राचीर होती है वो प्रायः गोलाई में होती है। यदि भूकंप आ भी जाता है तो क्या होता है कि जो सीज़मिक वेव्स हैं, टर्शरी सीज़मिक वेव्स, वो इनसे टकरा के और गोलाई में घूम जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं। ये लावा से बनी चट्टान है, आग्नेय शैल है, ये इग्नियस रॉक्स, अरावली हिल्स में है, ये अरावली रेंज में। उधर भी एक कक्ष है, ये देखिए ट्रेंच या एक केव जैसा कुछ है यहाँ। माय गॉड काफ़ी गहरा है ये, और वन्य पशु यहाँ पर पाए जाते हैं, हो सकते हैं। ये थोड़ा आधुनिक सा है, यहाँ ये नीचे उतरता है।
वृक्ष की ये देखिए जटाएं जड़े, कितना सुंदर वृक्ष है ये। ये नदी है यहाँ से जाती हुई, सी ये घाटी में से नदी जाती हुई और आगे वो कुंड बना हुआ है। ये देखिए आर्च डाली गई है नदी का बांध बनाने के लिए। ये नेचुरल केव, अब हम आगे चलते हैं मिश्र धारा पोल। ये गेट, इस गेट का नाम मिश्र धारा पोल। यहाँ पर हमने देखा हमीर कुंड। जी नवीन जी, ये प्रवेश द्वार है यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है जी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। हाँ वैसे उसके लिए आप लगभग मैंने जहाँ तक सुना है, पता नहीं सत्य है असत्य है, 40 से 50 यहाँ पर बाघ, हाँ व्याघ्र है यहाँ पर, बिल्कुल संरक्षित क्षेत्र है ये। और आगे आप जाओगे तो लेफ्ट साइड में वहाँ से आरंभ होता है इसका जो ये है ना राष्ट्रीय उद्यान की सीमा, यहाँ से आरंभ हो चुकी है, परंतु उसके लिए एक अलग से गेट है आगे जाके लेफ्ट में, और राइट में आपको मिलेगा रणथंभौर दुर्ग। देखिए कितनी सुंदर चट्टान है ये, लावा के पिघलने से बनी, और इसकी लेयर्स कैसे जमी हुई है, और उनके बीच में से हम करोड़ों वर्ष जा रहे हैं, वर्ष इनको बनने में लगे। बिल्कुल, यहाँ पर जगह जगह आपको जलाशय देखने को मिलेंगे। सुबह की कितनी अद्भुत छटा है। हमारे दाएं तरफ सीधे हाथ में दुर्ग है जो ये रास्ता है, और हमारे बाएं तरफ जो फॉरेस्ट एरिया है, रिजर्व एरिया, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर, और इस तरफ आप देख सकते हैं दुर्ग की प्राचीर। हम उस तरफ से आए हैं तो बाएं हाथ की तरफ, जैसे मुदर से आए तो बाएं हाथ की तरफ ये है जोगी महल गेट, और यहाँ पर आपको जाने के लिए आपको पहले से सफारी बुक करनी पड़ती है। और ये टाइगर रिज़र्व है, नेशनल पार्क है, और यहाँ इधर राइट में ये रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश आरंभ होता है।